हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट के बारे में। किडनी स्टोन के जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुर्दे की पथरी, तो ये पथरी होने के कारण वगैरह क्या होते हैं, कौन से अलग अलग लक्षण और सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो हम जानेंगे, और किस तरह से हम उसका सही इलाज कर सकते हैं वो जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स, थैंक यू फॉर बी इन 2.8 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूजर ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाता हूँ। तो किडनी स्टोन क्या है वो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर एक सवाल आएगा। तो किडनी स्टोन जो है वो एक स्मॉल हार्ड डिपॉजिट जो हम कह सकते हैं कि जो बनता है हमारे किडनीज के अंदर, और जब ये हमारी यूरिनरी ट्रैक में से या फिर जो यूरिनरी सिस्टम जो है हमारी वहाँ से पास होता है तो पेनफुल कंडीशन जो है वो तैयार होती है। कि आप यहाँ पे किडनी देख सकते हैं, और ये किडनी के अंदर आप यहाँ पे आप देखो उसका अलग अलग रीजन्स। तो एक स्टोन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टोन है कि जिसको कैलिसिल स्टोन कहा जाता है। फिर यहाँ पे जो एक स्टोन देख रहे हैं आपके जिसको रीनल पेल्विक स्टोन कहा जाता है, और ये तीसरा वाला आप देख सकते हैं अपर यूरेटेरल स्टोन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो अलग अलग स्टोन जब ये किडनी के अंदर फॉर्म होते हैं तो वो ये यूरिनरी ट्रैक के अंदर आगे जो है वो पास होते हैं। कि जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे समझो कि जो स्टोन था वो आगे यहाँ पे यूरेटर के अंदर जो है वो आ चुका है, फिर वहाँ से वो ब्लेडर की ओर जाता है, और ब्लेडर के अंदर आके वहाँ से फिर यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो है वो सिंपल एक मेकेनिज्म कह सकते हैं कि किडनी स्टोन फॉर्म होता है और हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू ही पास हो जाता है। और ये किडनी स्टोन किसके बने हुए हैं, तो ये मिनरल्स के बने हुए होते हैं और सॉल्ट के बने हुए होते हैं कि जो हमारे किडनीज के अंदर तैयार होते हैं। जब हमारा यूरिन पास होता है तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर ये जो है वो ट्रैवल करते हैं, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर तो उस वक्त काफ़ी पेनफुल कंडीशन जो है वो तैयार होती है। और ये क्या करते हैं, कई बार हमारे यूरिनरी ट्रैक को ब्लॉक कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है काफ़ी पेन होता है आपको कि जब ये किडनी स्टोन जो है वो पास होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक के जो अलग अलग रीजन्स होते हैं कि उसकी एनाटोमी आप देखो तो यूरिनरी ट्रैक के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो किडनी का पोर्शन है, फिर ये किडनी स्टोन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यूरेटर का पोर्शन है, फिर यहाँ पे ब्लेडर आप देख सकते हैं। तो जैसे अलग अलग रीजन्स के अंदर वो ट्रैवल करता है, पास होता है, तो उस वक्त आपको काफ़ी पेन करता है। तो किडनी स्टोन के आप जानते हैं अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो किडनी स्टोन के हम दूसरे नाम देखें तो उसको रीनल कैलकुली भी कहा जाता है, नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है, और तीसरा यूरोलिथियासिस। ये तीन उसके अलग अलग नाम हैं कि जिसको हम किडनी स्टोन या फिर गुर्दे की पथरी कहते हैं। और उसकी हम साइज़ देखें तो अलग अलग साइज़ में होते हैं मिलीमीटर के अंदर। कि आप जो स्केल से उसको मेज़र करें तो ऐसे अलग अलग मिलीमीटर के साइज़ में आपको देखने को मिलेंगे कि 3 मिलीमीटर की उसकी साइज़ है, 6 मिलीमीटर का स्टोन है, या फिर 9 मिलीमीटर है, 10.5 मिलीमीटर है। तो ऐसे अलग अलग मिलीमीटर के यूनिट्स के अंदर उसको जो है वो मेज़र किया जाता है। फिर जो काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज़ के अंदर के, देखो समझो कि 6 मिलीमीटर का स्टोन है, 7 मिलीमीटर का स्टोन है, या फिर उससे भी कम 3 मिलीमीटर जैसे स्टोन है, तो यूरिन के थ्रू जो है वो आसानी से पास हो जाते हैं। और अगर समझो कि 10 mm या उससे भी ज़्यादा साइज़ के जो बड़े स्टोन कहे जाते हैं वो भी मेडिसिन के कारण कई बार क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कि 10 mm का समझो कि स्टोन है तो वो मेडिसिन के कारण उसके दो पार्ट के अंदर ब्रेकडाउन भी हो सकता है, कि एक उसका पार्ट 6 mm का हो गया और दूसरा 4 mm का। और ये जो स्मॉल पीसेस जो उसके हो जाते हैं
तो वो फिर आपके यूरिन के थ्रू आसानी से पास हो जाता है। बट जब ये पास होता है तब काफ़ी पेनफुल कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो यूरिनरी ट्रैक को समझो कि आप समझो, तो यूरिनरी ट्रैक जो है हमारा या फिर यूरिनरी सिस्टम है उसका जो मेन काम क्या है, तो एक तो यूरिन फॉर्मेशन का है, और यूरिन फॉर्मेशन के साथ साथ जो हमारी बॉडी का कोई वेस्ट रिमूवल होता है वो हमारे यूरिन के साथ जो है वो हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। और यूरिनरी ट्रैक या फिर यूरिनरी सिस्टम को पूरा समझे तो उसके अलग अलग हम पार्ट्स देखें तो किडनी के पोर्शन, कि ये एक लेफ्ट साइड और राइट साइड की दो किडनीज आप देख सकते हैं। फिर उसी तरह से किडनीज के साथ साथ यहाँ पे ब्लेडर देख सकते हैं कि जहाँ पे लास्ट में यूरिन जो है वो जमा होता है। फिर यूरेटर्स भी आप देख सकते हैं कि ये वाला एक यूरेटर जो है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, दूसरा वाला यूरेटर ये राइट साइड के अंदर, और यूरेथ्रा का पोर्शन कि जहाँ से फिर यूरिन हमारी बॉडी में से एक्सपेल आउट होता है बाहर की ओर। तो इस तरह से पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है वो तैयार होती है और उसका ट्रैक तैयार होता है। तो जब ये किडनी स्टोन अलग अलग जगह पे फॉर्म होते हैं या फिर जो पास होते हैं तो उस वक्त पेनफुल कंडीशंस होती है, कि ये डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग जगह पे आपको स्टोन्स जो है वो देखने को मिलेंगे, कि यहाँ पे जो पेल्विक का रीजन होता है किडनी का वहाँ पे आपको स्टोन देख रहा है कि स्टोन इन किडनी पेल्विस लिखा हुआ है। फिर कैलिक्स के अंदर भी आपको स्टोन देखने को मिलता है। फिर वहाँ से ये जो पास होता है तो देखो यहाँ पे स्टोन जो है वो यूरेटर के अंदर आप देख सकते हैं। तो जब ये यहाँ से कि किडनी में से यूरेटर की ओर जब आगे बढ़ता है तो उस वक्त जो है वो काफ़ी पेन होता है पेशेंट्स को। फिर यहाँ से पास होके वो ब्लेडर के अंदर आते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेडर स्टोन, और कुछ स्टोन जो है वो ब्लेडर या फिर लोअर यूरेटर के अंदर भी आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेटर के थ्रू फिर वो ब्लेडर के अंदर आ जाता है, और ब्लेडर से फिर आगे यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। बट ये जब पूरे ट्रैक के अंदर ट्रैवल करता है तो उस वक्त काफ़ी पेनफुल कंडीशंस प्रोड्यूस होती है। तो अब आपके माइंड में एक सवाल ये होगा कि किडनी स्टोन बनता कैसे है, कि हाउ किडनी स्टोन फॉर्म। तो अब उसका रीज़न समझते हैं अच्छे से, किडनी स्टोन कैसे बनता है। तो किडनी स्टोन फॉर्म व्हेन यूरिन कंटेंट द मोर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड एंड लेस वाटर पार्ट। यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी आसानी से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए आप, कि लिखा है कि जब आपके यूरिन के अंदर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा है, क्रिस्टल्स मतलब कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे कोई सब्सटेंसेस है इस तरह से, तो वो आगे जाके एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक ऐसा बड़ा स्टोन तैयार कर सकते, कि ये जो क्रिस्टल है उसमें से एक स्टोन जो है वो तैयार हो सकता है, कि जिसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस। और उसमें इंक्लूड होते हैं ये कैल्शियम इंक्लूड होता है, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। और सामने आपके यूरिन के अंदर पानी जो है वो काफ़ी कम है, लेस वाटर पार्ट। तो उसको समझने के लिए आप बाजू वाले डायग्राम के अंदर देखो, तो ये वाला जो यूरिन है वो नॉर्मल यूरिन है, कि जिसके अंदर मोर वाटर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाइट कलर वाला है। जबकि ये वाला यूरिन आप देखो बाजू में कि जो डार्क कलर का यूरिन है, कि जिसके अंदर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस ज़्यादा है, मोर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। कि ये जो हमने बात की कि कैल्शियम उसके अंदर होगा, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड वगैरह उसके अंदर ज़्यादा है, मतलब कि आपका ये जो यूरिन है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है। और जबकि ये जो है वो डायल्यूटेड यूरिन कह सकते हैं, कि जिसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण उसका जो आप कलर देखोगे तो लाइट येलोविश या फिर प्लेन कलर आपको जो है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज उसके अंदर वाटर ज़्यादा है, वाटर जो है वो ज़्यादा है, जबकि क्रिस्टल जो है उसके अंदर बहुत ही कम है। जैसे जैसे क्रिस्टल्स ज़्यादा उसके अंदर जमा हो जाते हैं उसका कलर जो है वो डार्क होता है। तो यहाँ पे जो आप ये डार्क वाला जो यूरिन देख रहे हैं उसके अंदर पानी जो है वो कम है कंपेयर टू उसके अंदर रहे क्रिस्टल्स, जिसके कारण वो जो है वो काफ़ी डार्क और कॉन्सेंट्रेटेड आपको देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स योर यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड कंटेन द मोर सॉल्ट एंड एसिड कंपेयर टू वाटर पार्ट। कि वाटर के कंपेयर में उसके अंदर एसिड, और कि जो यूरिक एसिड की जो हम बात करते हैं वो यूरिक एसिड
और सॉल्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं। और जब इस टाइप का जो हाईली सैचुरेटेड यूरिन जो हम कहते हैं वो बेस्ट एनवायरनमेंट बनता है किडनी स्टोन के फॉर्मेशंस के लिए। तो जब आपका यूरिन ऐसा नॉर्मल होता है तब काफ़ी लेस चांस रहते हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन में, काफ़ी बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है क्योंकि पानी ज़्यादा है और सॉल्ट और एसिड कम है, जबकि यहाँ पे एसिड भी ज़्यादा है, सॉल्ट भी ज़्यादा है और वाटर जो है वो कम है। तो ऐसा डार्क यूरिन जो है वो बेस्ट एनवायरनमेंट बनता है किडनी स्टोन के फॉर्मेशंस के अंदर, बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सेलेट और यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी। तो अब समझते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के किडनी स्टोन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कैल्शियम के स्टोन्स बनते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनते हैं और सिस्टाइन स्टोन्स बनते हैं। तो डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि ये आप देख सकते हैं कि नंबर वन में यहाँ पे देता हूँ, तो ये वाला जो आप स्टोन देख रहे हैं वो है कैल्शियम का बना हुआ स्टोन। कि जब आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, कि जो एक क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस है, कि एक ही जगह पे ज़्यादा समय तक ये सब्सटेंसेस रहेंगे ज़्यादा मात्रा के अंदर, तो वहाँ पे वो इस तरह से स्टोन फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम का स्टोन। यहाँ पे जो आप ये वाला देख रहे हैं डायग्राम नंबर दो, तो ये है यूरिक एसिड के स्टोन। तीसरा आप देखोगे तो ये है स्ट्रूवाइट के स्टोन्स आप देख सकते हैं, और नंबर चार हम में आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो नंबर चार में आप देख सकते हैं दैट इज़ ए सिस्टाइन स्टोन। तो ये चारों चार आपने अलग अलग स्टोन्स देखे कि जो हम कह सकते हैं किडनी स्टोन के अलग अलग टाइप्स हैं। तो उसको जो है अलग अलग यूनिट्स, जो मिलीमीटर के जो यूनिट है उसके अंदर मेज़र किया जाता है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टोन है, तो ये अलग अलग जो स्टोन्स हमारी किडनीज के अंदर तैयार होते हैं तो ये अलग अलग साइज़ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और ये अलग अलग टाइप्स के कि जिसके वो बने हुए। तो ज़्यादातर कैल्शियम और यूरिक एसिड के जो स्टोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं अलग अलग पेशेंट्स के अंदर। तो अब समझते हैं उसके रीजंस के, कौन से रीजंस से या फिर कोजेस के कारण हमें किडनी स्टोन होता है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी रीज़न है कि ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर, कि पूरे दिन के अंदर आप पानी बहुत ही कम पीते हैं। ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर इन ए डे बिकम ए रीज़न फॉर डार्क कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि पानी कम पीने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो पानी कम पीने से क्या होगा कि जो यूरिन आपका जो फॉर्म होता है वो काफ़ी डार्क यूरिन बनेगा, कि इस टाइप से आप देख रहे हैं ऐसा डार्क और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, कि जिसके अंदर जो क्रिस्टल कि जो स्टोन फॉर्मिंग हम सब्सटेंसेस कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और वाटर जो है वो कम रहेगा। मतलब कि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ये रहेगा। और अभी जो हमने रीजंस जाना था किडनी स्टोन के फॉर्मेशंस का, तो उसमें यही था कि पानी कम है और क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा है, तो जिसके कारण हो रहा है किडनी स्टोन। तो जब कोई पर्सन पानी बहुत ही कम पीता है दिन के अंदर, कि एटलीस्ट 5 से 7 लीटर तो पानी जो है वो आपको पीना चाहिए दिन के अंदर, बट कि ये है आइडियल रिक्वायरमेंट, बट आप जो है सिर्फ 1 या 2 लीटर जितना ही पानी पीते हैं, तो उसके कारण जो है वो यूरिन फॉर्म जो आपका होगा वो इस तरह से डार्क यूरिन फॉर्म होगा। और ये हमें पता है कि जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो किडनी स्टोन जो है वो आसानी से वहाँ पे तैयार होते हैं। तो ये होगा एक रीज़न, कोजेज या फिर रीज़न हम कह सकते हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन का, कि ड्रिंकिंग वेरी लेस वाटर। दूसरा है कि टेकिंग मोर कैल्शियम एंड सॉल्ट इन डाइट, कि जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा है, सॉल्ट भी ज़्यादा है। कि आप ऐसा खाना प्रेफर करते कि जिसके अंदर कैल्शियम आपको ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा सॉल्टी खाना आप खाते हैं, तो उसके कारण भी आपके बॉडी के अंदर किडनी स्टोन जो है वो तैयार हो सकते हैं। तीसरा जो है लेस मिनरल्स इन बॉडी, कि आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम है, कि जो हम कहते हैं कि जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो हम स्टडी करते हैं, तो उसमें जितने भी जो अलग अलग एसेंशियल मिनरल्स होते हैं तो उसकी मात्रा कम है या फिर उसकी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो भी किडनी स्टोन तैयार हो सकता है। फिर डिहाइड्रेशन हुआ है आपको, या फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि
आप जो है वो हमेशा डिहाइड्रेटेड रहते हैं, लॉस ऑफ वाटर मतलब कि वाटर आपकी बॉडी में से कम हो रहा है, या फिर लेस वाटर कि आप पानी भी कम पीते हैं, या और साथ साथ स्वेटिंग मतलब कि ज़्यादा पसीना होने के कारण भी आपका वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन है, तो उस वक्त जो है वो किडनी स्टोन बन सकता है। और पांचवा जो रीज़न हम जाने तो वो है एक्सेसिव जंक फूड इन डाइट। क्या आप ऐसा खाना खाते हैं या फिर ऐसा आपका डाइट है कि जिसके अंदर जंक फूड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है? क्या आप एक्सेसिव अमाउंट्स में जंक फूड खाते हैं तो उससे भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है? तो ये हो गए पांच प्राइमरी रीजंस फॉर ए किडनी स्टोन। दूसरे कुछ हम रीजंस जाने तो कुछ फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे भी है कि आपको जो है वो विरासत में किडनी स्टोन जो है वो मिल सकता है, कि समझो कि आपके माता पिता को किडनी स्टोन था तो आपको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है, कि जिसको हम कहते हैं एक पर्सनल हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री, के फैमिली में किसी को भी किडनी स्टोन है तो आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप समझो कि प्रिवेंशन के स्टेप्स लेते हैं तो किडनी स्टोन से जो है वो आप बच सकते हैं। फिर टेकिंग मोर कैल्शियम बेस्ड एंटासिड, कि कई बार जो एसिडिटी की ट्रीटमेंट जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंटासिड ऐसे लेते हैं कि जिसके अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, या फिर कैल्शियम वाले एंटासिड्स आप यूज़ कर लेते हैं और वो भी काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, कि जिससे आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाएगी और वो रीज़न बनेगा किडनी स्टोन के लिए। फिर विटामिन सी जो आप लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, और जो डाइटरी सप्लीमेंट, कि एक्सेसिव विटामिन सी लेने से भी किडनी स्टोन जो है वो हो सकता है। फिर हाई बॉडी मास इंडेक्स, कि जो BMI कहते हैं हम, कि अभी हमने लेटेस्ट में ही कुछ दिनों पहले सीखा था बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, कि जो एक डायग्नोस्टिक फीचर बनता है ओबेसिटी के लिए। तो जब BMI की वैल्यू काफ़ी हाई होती है तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज ओबेसिटी। तो जब आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी है तो वो ओबेसिटी भी एक रीज़न और रिस्क फैक्टर बनता है किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। फिर आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव डिसीज थी या फिर उसके रिलेटेड कोई सर्जरी की गई थी तो भी किडनी स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। आपके डाइट के अंदर प्रोटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है तो भी किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। और 11वां रीज़न हम देखें तो टेकिंग मोर सोडियम, कि आप सोडियम या फिर सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और साथों साथ शुगर, तो ऐसा डाइट है कि जिसके अंदर शुगर भी ज़्यादा रहती है, सोडियम सॉल्ट भी ज़्यादा है, तो ये सब रीजंस बन जाते हैं आपके लिए किडनी स्टोन के फॉर्मेशंस के लिए। अब समझना जरूरी है कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कि किडनी स्टोन समझो कि फॉर्म हुआ है तो वो आपको पता कैसे चलता है। तो सबसे पहले जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है तो पेन या फिर बर्निंग सेंसेशन जैसा होता है कि जब आप यूरिन पास करने जाते हैं। दूसरा, डार्क कलर का यूरिन होगा या फिर आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, कि आप यहाँ पे देखो कि ब्लड इन यूरिन, या फिर काफ़ी डार्क यूरिन हो चुका है आपका, या फिर बर्निंग सेंसेशन भी होता है यूरिन करते वक्त, पेन भी होता है आपको यूरिन पास करते वक्त, तो वो एक सिम्टम बन सकता है आपके बॉडी के अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन का। तीसरा हम देखें तो आपको सीवियर बैक पेन हो सकता है, कि बैक साइड पे आपको काफ़ी पेन होगा, कि आप यहाँ पे देखो कि बैकएक हो रहा है, काफ़ी बैक पेन हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न बनता है। साथों साथ स्टमक पेन भी होता है तो वो भी एक रीज़न है और साइन एंड सिम्टम है किडनी स्टोन फॉर्मेशन का। फिर सीवियर एंड शार्प पेन होता है इन एरिया ऑफ यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बॉडी, की जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है, साथों साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लोअर पोर्शन है वो वाला जो ट्रैक, कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे भी आपको पेन होगा। क्लाउडी या फिर फाउल स्मेलिंग यूरिन, कि यूरिन जब आप पास करोगे तो वो आपको क्लाउडी दिखेगा या फिर उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल रहेगी। फिर कुछ लोगों को नोजिया वॉमिटिंग भी होता है, कुछ केसेस के अंदर डायरिया भी देखने को मिलता है कि जब किडनी स्टोन फॉर्म होता है, और कुछ केसेस के अंदर फीवर होता है, चिल्स मतलब कि आपको ठंड भी लगती है ड्यू टू द इन्फेक्शन, कि जब ये किडनी स्टोन यहाँ पे पास होता है तो ये क्या करता है कि जो हमारे यूरेटर वगैरह है उसकी जो वॉल्स वगैरह या फिर किडनी के अंदर की जो दीवारें होती है उसको कई बार डैमेज कर सकता है वो, बिकॉज़ ये एक टाइप का तो
है स्टोन ही है। तो स्टोन जो है वो इंटरनल जो पार्ट होते हैं यूरिनरी ट्रैक के उसको डैमेज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है, जिससे आपको काफ़ी पेन भी होता है, फीवर जैसा हो सकता है, फिर जो पेन के कारण आपको नौजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है और काफ़ी बैक पेन रहता है आपको, कि काफ़ी बैक पेन रहेगा, कुछ केसेस के अंदर डिजीनेस जैसा भी फील होता है, फीवर, वॉमिटिंग। तो ये सब प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स हम कह सकते हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये हो गए सिम्टम बेसिस, बट जब कन्फर्म कैसे करें तो उसके लिए जो है वो डायग्नोसिस किया जाता है। तो उससे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए किडनी स्टोन का। तो सबसे पहले तो ये एक प्राइमरी उसका सबसे बेस्ट उपाय है कि आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं, कि ड्रिंक मोर वाटर इन ए डे एंड मस्ट टेक अराउंड 5 to 7 liters पर डे, कि एक दिन में एटलीस्ट आप 5 to 7 liters जितना पानी जो है वो ले, कि जिससे किडनी स्टोन का जो फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर समझे कि फॉर्म होता है तो भी जब वो काफ़ी स्मॉल साइज में होगा तभी आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किडनी स्टोन या फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स आपके किडनी के अंदर फॉर्म भी हुए थे और आसानी से बिना किसी पेन के वो निकल भी गए। सेकंड है कि टेक लेस कैल्शियम एंड सॉल्ट इन डाइट, कि आपके डाइट के अंदर कैल्शियम एंड सॉल्ट ज़्यादा है तो उसको काफ़ी कम कर दे, कि जिससे किडनी स्टोन को आप प्रिवेंट करवा सके। डू नॉट स्टॉप द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, कई बार लोग क्या करते हैं कि यूरिन को काफ़ी लंबे समय तक स्टॉप करके रखते हैं, यूरिनेशन के लिए बहुत लेट जाते हैं या फिर काफ़ी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि यूरिन आपका काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो जाता है तो वो किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए एक बेस्ट एनवायरनमेंट बन जाता है। तो यूरिन को लंबे समय तक रोक कर ना रखें, जब भी ऐसा यूरिनेशन जैसा फील होता है तो तुरंत आपको यूरिन जो है वो पास कर लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 7 liters पर डे। फिर बी हाइड्रेटेड, कि जो पानी पीने की जो बात है कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना है आपको। जंक फूड आप लेते हैं तो उसको काफ़ी लिमिट कर दे, कि लिमिट में यूज़ करें जंक फूड्स को। फिर टेक लेस एनिमल प्रोटीन, कि आपके डाइट के अंदर एनिमल प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा है तो वो कम कर दे। आपका बॉडी वेट जो है वो खास कंट्रोल करे, कि जो BMI जो है वो नॉर्मल की रेंज में रहे, उस तरह से जो है आप आपका जो हेल्दी डाइट प्लान बना सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि जिससे ये सब प्रॉब्लम्स ना हो। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो किडनी स्टोन का डायग्नोसिस के लिए अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, इमेजिंग टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन के आप यहाँ पे इमेज देखो तो ये वाला जो है डायग्राम जो है ये है अल्ट्रासाउंड स्कैन, कि जिसको हम सोनोग्राफी भी कहते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैन को आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जगह पे जो है वो रीनल कैलकुली जो है वो दिखाई गई है, कि जो किडनी स्टोन जो हम कहते हैं, तो उसका जो आप यहाँ पे देखो तो 1.45 centimeters जैसा लिखा हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि अराउंड 14.5 millimeters की लेंथ का ये किडनी स्टोन वहाँ पे जो है वो सो हो रहा है अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टोन्स की जो एब्डोमिनल एक्सरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एब्डोमिनल एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के बारे में। फिर एनालिसिस ऑफ पास स्टोन, कि स्टोन समझो कि आपकी बॉडी में से बाहर निकल गया है और वो स्टोन की समझो कि आप एनालिसिस करवाते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा कि उसका आप रीज़न जान सकोगे और साथों साथ फ्यूचर में उसको प्रिवेंशन के स्टेप भी आप ले सकोगे कि कौन से रीज़न से किडनी स्टोन हुआ है और कौन से टाइप का था, कि कैल्शियम वाला था, यूरिक एसिड वाला था, वो आपको पता चलेगा टाइप। एंड सीटी स्कैन भी किया जाता है, कि जिसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, तो उससे भी डायग्नोसिस हो जाता है किडनी स्टोन का। तो ये हो गए कन्फर्मेटिव टेस्ट, कि जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है, कि जैसे कि आप समझो कि कलर डॉपलर या फिर अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या फिर कलर डॉपलर, तो उससे आपको उसकी एग्जैक्ट साइज और लोकेशन पता चलता है कि कहाँ पे है, कि आपके यूरेटर के अंदर है, ब्लेडर के अंदर आ चुका है या फिर अभी किडनी के अंदर ही है स्टोन। तो एग्जैक्ट लोकेशन
और लोकेशन के साथ साथ उसकी साइज, ये दोनों आपको पता लगाना जरूरी है कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर ये डायग्नोस्टिक फीचर से कि जो इमेजिंग टेस्ट हम कहते हैं उससे जो है वो पता चलता है। अब बात करें हम ट्रीटमेंट के कि कौन से अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के अंदर, तो आयुर्वेदिक है दवाइयाँ, होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक मेडिकेशंस जो है वो यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन के इलाज में ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एलोपैथिक यूज़ करें, सिर्फ आयुर्वेदिक या फिर सिर्फ होम्योपैथिक, ये तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन को अच्छे से निकालने के लिए आपकी बॉडी में से और उसका इलाज करने के लिए। फिर हम देखें कि आप समझो कि आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या एलोपैथिक में से आप यहाँ पे देखो कि जो SBL का जो बना है वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक जो कहा जाता है, तो उसका ये जो आप देख सकते हैं एक फॉर्मुलेशन क्लियर स्टोन ड्रॉप की जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है 30 ml के कंटेंट में वो अवेलेबल होता है, तो ये भी काफ़ी वाइडली यूज़ होता है किडनी स्टोन के इलाज में। फिर एलोपैथिक से हम बात करें तो पेन किलर्स यूज़ किया जाता है कि जो आपके पेन सेंसेशन को रिड्यूस करने का काम करता है कि जब आपका किडनी स्टोन पास होता है तो उस वक्त काफ़ी सीवियर पेन होता है, अगर आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते तो उस वक्त जो पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर तीसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं कि जो प्रिवेंट करेंगे इन्फ्लेमेशन को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट के दौरान आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर कहीं पर सूजन ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, अगर समझे कि इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो क्योर हो जाए, ट्रीट हो जाए, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी लेना जरूरी है। कई बार कुछ लोगों को किडनी स्टोन के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वक्त एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं टू प्रिवेंट एंड ट्रीट UTI ड्यूरिंग द किडनी स्टोन। फिर अल्फा ब्लॉकर्स एक क्लास है मेडिकेशन का फार्माकोलॉजिकली एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर, तो वो भी एक यूज़ किया जाता है टू प्रमोट स्टोन पासेज, कि स्टोन को यूरिनरी ट्रैक में से आसानी से पास करवाने के लिए अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन दी जाती है। और समझो कि ये पांचों ऑप्शन से ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट में जो है वो सर्जरी आपके लिए ऑप्शन रहती है टू रिमूव द स्टोन। और साथ ही साथ एक एडवाइस रहती है कि आप लेमन वाटर या फिर लेमन जूस जो है वो भी आप साथ ही साथ लेते रहे कि जो आपके किडनी स्टोन के ब्रेकेज के अंदर उसको तोड़ने के लिए जो है वो हेल्प करेगा। तो ये है ट्रीटमेंट के ऑप्शंस। जानते हैं सबसे पहले आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन से, तो यहाँ पे आप देखो जो एक फॉर्मुलेशन जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्लियर स्टोन के जो आप ड्रॉप्स देख सकते हैं, तो ये ड्रॉप्स के अंदर एडवाइस होती है कि आप जो है वो 10 से लेकर 15 जितने जो ड्रॉप्स है वो एटलीस्ट आधा कप जितने पानी के अंदर आप ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल वाटर के अंदर भी डाल के ये ड्रॉप्स वाला जो पानी है वो दिन में एटलीस्ट 2-3 times जो है वो आप ले सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है कि क्लियर स्टोन के समझो कि ऑप्शन में दूसरा आप यूज़ करो तो वो है स्टोनिल के ड्रॉप्स, तो वो भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी ही है। ये जो स्टोनिल करके जो प्रिपरेशन आती है होम्योपैथिक के अंदर, तो वो भी सिमिलर ही आप यूज़ करते हैं एज अ क्लियर स्टोन की। ये जो ड्रॉप होते हैं कि समझो कि आपके पास ये पानी भरा हुआ ये कप है, तो ये कप के अंदर जो है वो आप 10 से लेकर 15 ड्रॉप जितने इसके डालते हैं और ये दिन में जो है वो आप 3 times लेते हैं, तो इससे जो है वो आपका यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शंस भी ट्रीट होता है और साथ साथ किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये है होम्योपैथिक मेडिसिंस। उसके बाद हम देखें तो पतंजलि का एक फॉर्मुलेशन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये भी जो टैबलेट्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 40 tablets जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि दिव्य वृक दोसहर वटी करके जो आता है और पतंजलि की जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी यूजफुल साबित होता है किडनी स्टोन के रिमूवल के अंदर। फिर जो हिमालया जो है वो काफ़ी फेमस है और वो भी बहुत सारे ऐसे यूरिनरी ट्रैक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसमें ये जो सिस्टोन करके जो उसका सिरप होता है वो भी बेस्ट होता है कि ये भी आप जो है वो दिन में 3 times जो है वो ये लेते हैं। या फिर जो आपके फार्मासिस्ट या फिर जो आपके डॉक्टर की जो एडवाइस के अकॉर्डिंग टू
कोई भी एक प्रिपरेशन आपको यूज़ करनी, या फिर ये वाला जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं जो नीरी करके सिरप आती है उसके टैबलेट्स भी होते हैं, तो वो भी एक काफ़ी पॉपुलर मेडिकेशन है। तो ये जो आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं, और इसमें से कोई भी एक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एनी वन के क्लियर स्टोन यूज़ करें, या फिर स्टोनिल, या फिर ये पतंजलि का टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिस्टोन, या फिर नीरिक, कोई भी एक, एनी वन। और ये जो है वो आपके फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग टू जो है वो आप ले सकते हैं कि जो बेस्ट है एंड यूजफुल है टू ट्रीट किडनी स्टोन। तो ये हो गए आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक की दवाइयों की बात। आगे हम बात करें पेन किलर्स की, तो हमें पता है कि काफ़ी सीवियर पेन होता है, कि कई बार टॉलरेट भी ना हो ऐसा पेन हो जाता है, तो वो पेन को कंट्रोल करने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, तो रिड्यूस द पेन सेंसेशन, तो जिसके अंदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और सेराटियोपेप्टिडेस का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि आप यहाँ पे पैरासिटामोल देख सकते हैं, सेराटियोपेप्टिडेस एंड एसिक्लोफेनेक का ये जो टैबलेट्स जो है वो कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। उसी तरह से एसिक्लोफेनेक ना हो तो डाइक्लोफेनेक, पोटासियम, पैरासिटामोल एंड सेराटियोपेप्टिडेस के टैबलेट, उसी तरह से यहाँ पे भी उसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि जो एज अ पेन किलर एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे काम करेगा। और ये आपको कब लेनी है तो वो मैं आपके लिए पॉइंट खास हाईलाइट करूँगा कि टेक इट ओनली वेन पेन, कि जब आपको पेन होता है तभी ये मेडिकेशंस जो है वो लेनी रहती है, कि टेक इट ओनली वेन देर इज ए पेन। अब बात करें नेक्स्ट, तो वो है एंटीबायोटिक्स। कि कई बार क्या होता है कि किडनी स्टोन के पासिस के दौरान जब वहाँ पे सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, की यूटीआई ना हो, या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं ड्यूरिंग द किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। तो एनी वन, कोई भी एक जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, कि लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिम, ऑर्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, जैसे अलग अलग जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ड्यूरिंग द किडनी स्टोन ट्रीटमेंट। तो इसमें से ये जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ एक लेनी होती है, ओनली वन पर डे, कि दिन में सिर्फ एक ही लेनी होती है। कि समझे कि लिवोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये जो है वो सिर्फ आप एक ही टैबलेट लेंगे, कि जिसका इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिन में आप लेते हैं या फिर रात में लेते हैं, सिर्फ एक टैबलेट जो है वो दिन में लेनी होती है। सेम लाइक दैट ऑर्निडाजोल है या फिर ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन है, तो भी वो जो है आप दिन में सिर्फ ओनली वन टैबलेट, कि दिन में एक ही टैबलेट जो है वो पेशेंट्स को दी जाती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास वो है एक अल्फा ब्लॉकर्स का। तो अल्फा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, प्रमोट करवाते हैं स्टोन पासेस को, मतलब कि जो हमारा पूरा जो यूरिनरी ट्रैक है, तो यूरिनरी ट्रैक में समझो कि यहाँ पे किडनीज में से आगे ये जो स्टोन जो है वो आगे जब पास हो रहा है, तो समझो कि यहाँ पे स्टोन है, तो वो ये ए पॉइंट से समझो कि बी पॉइंट की ओर पास हो रहा है, तो ये पास होने में हेल्प करने वाले जो मेडिकेशन है उसको हम कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। कि ये जो यूरिनरी ट्रैक की जो दीवारें बनी होती है उसके बनने के में जो मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, वो मसल्स को जो है वो डायलेट कर रिलैक्स करके वहाँ पे डायलेसन्स करवा के ये मेडिकेशंस अपना काम करते, कि जिससे आसानी से जो है वो स्टोन वहाँ से पास हो जाए। तो ये इसके अंदर जो टैम्सुलोसिन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है ये कैटेगरी के अंदर, की जो वर्क करता है बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स इन यूरिनरी ट्रैक एंड प्रमोट इजी पासेज ऑफ किडनी स्टोन। तो उसके अंदर ये जो टैम्सुलोसिन का जो 0.2 मिलीग्राम वाला जो टैबलेट होता है वो इनफ रहता है, और ये जो है वो पेशेंट दिन में दो बार लेता है, कि एक जो है वो मॉर्निंग में लिया जाता है और दूसरा जो है वो नाइट के अंदर लिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहता है। आरएक्स रेड लाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि मेडिकल सुपरविजन में ही टैम्सुलोसिन लेनी है, बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई बार आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी डाउन हो सकता है, या फिर फेंटिंग जैसा हो सकता है, कि मतलब कि अचानक से चक्कर आके आप गिर भी सकते हैं,
और रेगुलर आपको जो है उसका जो भी डोज आपको प्रिस्क्राइब किया है वो आपके फार्मासिस्ट या फिर आपके डॉक्टर की सलाह से आपको लेनी होती है। तो ये हो गया अल्फा ब्लॉकर्स का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद लेमन जूस का भी यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट्स के दौरान। तो लेमन जूस की जिसके अंदर एक तो रहेगा विटामिन सी और साथ ही विटामिन सी के साथ रहेगा साइट्रिक एसिड कि जो हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ किडनी स्टोन के, किडनी स्टोन के ब्रेकडाउन में वो हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये है कि ये जो आप लेमन जूस लेते हैं तो उसके अंदर शुगर जो है वो आपको बहुत ही कम डालनी है, शुगर जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में डाल के ये लेमन जूस लेना है कि जो उसके अंदर रहा जो साइट्रेट है कि जो सॉल्ट है साइट्रिक एसिड का वो बाइंड्स होता है कैल्शियम के साथ और हेल्प करता है ब्लॉक, हेल्प्स टू ब्लॉक द स्टोन फॉर्मेशन कि जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता है कि जो कैल्शियम फ्री होता है तो वो फ्री कैल्शियम के साथ जो साइट्रिक एसिड है वो अपना कॉम्बिनेशन बना देता है कि जिससे फ्री कैल्शियम जो है वो कैल्शियम के जो आगे जाके क्रिस्टल्स बन के कैल्शियम का जो स्टोन तैयार हो जाता है और वो किडनी स्टोन बन जाता है वो बनने में ये हेल्प करता है। तो डेली इंटेक ऑफ लेमन जूस इज़ बेनिफिशियल टू प्रिवेंट द किडनी स्टोन के, किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए लेमन जूस जो है वो काफ़ी सेहतमंद साबित हो सकता है आपके लिए। तो जब आपकी ट्रीटमेंट चलती हो किडनी स्टोन की तो उस वक्त लेमन जूस जो है वो ज़रूर से लेना चाहिए। फिर समझो कि ये मेडिकेशन से कोई ट्रीटमेंट सफल नहीं हो रही है या फिर ये जो किडनी स्टोन है वो यहाँ पे समझो कि कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुका है या फिर उसकी साइज इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि जो आपके यूरिनरी ट्रैक से पास नहीं हो रहा है, तो उस वक्त जो है वो सर्जरी के जो ऑप्शंस बनते हैं। तो सर्जरी के अंदर लिथोट्रिप्सी का आपने नाम सुना होगा कि समझे कि आपने कई बार नेट वगैरह पे सर्च किया हो तो आपने लिथोट्रिप्सी का नाम सुना होगा। तो लिथोट्रिप्सी में यूजली क्या करते हैं, शॉक वेव्स जो है वो दिए जाते हैं कि जिससे जो लार्ज साइज के जो स्टोन होते हैं उसको ब्रेक कर दिया जाता है। कि यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो तो यहाँ पे लिखा है कि किडनी स्टोन्स आर टू बिग टू पास थ्रू द यूरिनरी ट्रैक। तो उसको क्या किया जाता है, सेकंड अल्ट्रासाउंड वेव से क्रश कर दिए जाते हैं और ये जो क्रश करने के बाद ये नंबर वन, ये नंबर टू और ये नंबर थ्री के काफ़ी स्मॉलर पीस हो चुके हैं कि जो यूरिन के थ्रू आसानी से पास हो जाएगी, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL मशीन से ये जो है वो दिया जाता है कि जिसके अंदर शॉक वेव्स को यूज़ किया जाता है टू ब्रेक डाउन द स्टोन। उससे भी समझो कि ठीक नहीं हो रहा है किसी को तो दूसरा ऑप्शन रहता है यूरेटेरोस्कोपी की, जहाँ पे ये यूरेटर के थ्रू ये मशीनरी को इंसर्ट करके किडनी स्टोन जो है वो रिमूव किया जाता है। तो ये जो अलग अलग ऑप्शंस थे सर्जरी वगैरह के किडनी स्टोन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वाला स्पेशल वीडियो लेक्चर था हमारा किडनी स्टोन के ऊपर। तो फार्मारॉक्स के लेक्चर्स नोट जो होते हैं वो आप फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।